दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला और बारिश से लोगों को उमस और चिपचिप वाली गर्मी से राहत मिली। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना और खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के दिन भी दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। बता दें, लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। फिलहाल अधिकारियों ने नदी के पास बसे गाँव को भी अलर्ट और सतर्क रहने के लिए कहा है। बारिश की वजह से दिल्ली का तापमान कम रहने वाला है। आज यानी गुरुवार 25 जुलाई 2024 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39.18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही ह्यूमिडिटी लेवल 42% रह सकता है। बीते दिन भी दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दस्तक दी, जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बारिश से सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। जिन इलाकों में बारिश से जलभराव हुआ उनमें छत्ता रेल चौक, निगम बोध घाट, आनंद पर्वत, जखीरा अंडरपास, दक्षिणी दिल्ली में आर के पुरम और उसके आसपास के इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के इलाके जैसे फरीदाबाद, नोएडा में भी लोगों को बारिश के बाद जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि वीकेंड पर भी मौसम दिल्ली वालों पर मेहरबान रहेगा। इस पूरे हफ्ते यानी आने वाले शुक्रवार और शनिवार को मध्यम बारिश, रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने की बात कही गई है। बता दें, दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई शहरों में भी मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस हफ्ते दिल्ली से सटे फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस लिस्ट में सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा, दिल्ली, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार आइलैंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। लोकल 18 के लिए नोएडा से योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।